कार्यकर्ताओं से मिलने का भी दौर भी लगातार जारी है, आप कितना उत्साह है? निश्चित ही सब में बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के दौरान मेहनत की है, लगातार पिछले 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में जो संघर्ष किया है, तो सब बहुत खुश हैं। और साथ में मुझे लगता है कि जनता भी उतनी ही खुश है कि उन्हें वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं अब, और पूरा विश्वास है कि जो वादे मैनिफेस्टो में हमने किए थे और जो पिछले 5 साल में कांग्रेस के जो गड्ढे हैं उनको निश्चित ही जो फॉर्मेलिटी होती है सरकार बनाने की, उसके बाद में वो सारे क्रमशः हम शुरू करेंगे। 90 विधानसभा में आप पहली ऐसी विधायक हैं जिनका अपना एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था, तो सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या करेंगे? मैनिफेस्टो मैंने अपने पंडरिया विधानसभा का बनाया है, और मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये कि जिस तरीके से वहाँ पंडरिया में, विधानसभा की बात करूँ, खासकर पंडरिया की बात करूँ, जिस तरीके से जुआ और सट्टे का कारोबार बहुत फल फूल रहा है पिछले 5 सालों में, सबसे पहले उस पर नियंत्रण लगाना मेरी प्राथमिकता होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लगातार आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और लगातार प्रदर्शन भी किया था, बातें भी उठाई थी। अब चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो क्या आपने आपका देखती है मंत्री? देखिए, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के और अति महत्वाकांक्षी मैं नहीं हूँ। जिस समय जो जिम्मेदारी दी जाएगी निश्चित ही उसको पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम पहली बार 23 साल में आदिवासी सीएम मिले, कितनी खुश है? बहुत खुशी है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जिनको लगातार संगठन सत्ता का इतना लंबा अनुभव रहा है, उनके मार्गदर्शन अब छत्तीसगढ़ और हम सब काम करने वाले, तो खुशी बहुत है। आखिरी सवाल, 13 तारीख को बताया जा रहा है शपथ होगा, क्या 13 तारीख की तिथि तय है या फिर और उसमें फेरबदल होगा? क्या केंद्र से भी कोई नेता है? 13 तारीख की जानकारी हमें मिली है कि 13 को शपथ ग्रहण है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन होगा, ऐसा हमें अभी तक की हमारे पास जो सूचना है। बाकी और अगर इसमें कोई चर्चा होगी तो निश्चित ही आप सबको जानकारी दी जाएगी। देखिए, भावना बोहरा थी, पंडरिया से विधायक हैं और बड़ी संख्या, बड़ी हजारों मत से जो है जीतकर जो है आज राजधानी रायपुर पहुंची हैं। चूंकि लगातार बैठकों का दौर भाजपा में जारी है, छत्तीसगढ़ को सीएम भी मिल चुका है, अब चूंकि सबसे प्रमुख जो चीज़ है मंत्रिमंडल, उसकी बैठक होगी, तो ये उनका इनका चयन होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के